हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम अपनी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ की एक सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पेशली बीएड, डीएलएड और सीटेट वगैरह के लिए 25 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे गहरी झील डैश है, यानी कि डैट सी, जिसको हम मृत सागर के नाम से जानते हैं, कैस्पियन सी या बैकाल या अरल सी। तो दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बैकाल झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील है आपकी पूरी वर्ल्ड के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। Which of the following हड़प्पन साइट has provided the evidence of a plug field? इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक जोते गए खेत का प्रमाण मिला है? हड़प्पा, चानुदड़ो, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारा जो इसमें सही होगा वो होगा आपका कालीबंगन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना डैश कहलाता है। टाइड यानी कि ज्वार, सुनामी, करंट जिसको हम धारा कहते हैं, वेव, लहर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है वो कहलाता है आपका टाइड यानी कि ज्वार, जिसको हम ज्वार भाटा के नाम से भी जानते हैं, ज्वार। तो 4 चलेंगे अब। 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का एक उदाहरण है? ग्राम, पी, कॉटन जिसको हम कपास के नाम से जानते हैं, या आपकी वीट, गेहूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों कॉटन यानी कि कपास। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी आर सिलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, लोक लेखा समिति के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष। तो दोस्तों, ये 1 वर्ष के लिए यानी कि 1 साल के लिए चुने आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1945, 1917 या 1935 या 1928। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1917। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहां पर सही नहीं पूछा गया, यानी कि एक ही स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी दोस्तों। पहला है, ही या शी इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, वे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। दूसरा ऑप्शन है, ही शी इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि वे राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। या तीसरा ऑप्शन है, ही शी हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। या चौथा ऑप्शन है, ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो इसमें गलत ऑप्शन है, यानी कि जो गलत हमसे पूछा था नॉट, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, क्योंकि वही हमसे पूछा भी गया था कि नॉट गलत कौन सा इसमें। तो गलत हमारा पहला है। क्वेश्चन नंबर 8, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ डैश ईयर्स, कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वे डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। अब ये कितने वर्ष की है? 25, 40 यानी कि 40, 35 यानी कि 35 या 45। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही ऑप्शन है 35 यानी कि 35 साल, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, और 9 में हमसे बोला गया, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? 25 वर्ष, 26, 35 या 40। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन है 35 साल, यहाँ पर भी आपका 35 साल होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10,
विच वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? असम, बिहार, मणिपुर या त्रिपुरा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे अब, और 11 में हमसे पूछा गया 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डैश किलोमीटर, एक अंशांक लगभग किलोमीटर के बराबर है, कितने किलोमीटर के बराबर है? 111, 122, 133 या 145? तो दोस्तों ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सही 111 हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है वो। और इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज, पिरानी गॉज, अल्टीमीटर या बैरोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, रेन गॉज, वर्षा मापी से ये मेजर किया जाता है। अब बैरोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला गया है स्लेट इज विच टाइप ऑफ रॉक, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी, वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी, इग्निशियस यानी कि आग्रे या मेटामॉर्फिक कायंत्रित। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों मेटामॉर्फिक, स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट केमिकल एलिमेंट डज एच स्टैंड फॉर इन द साइंस पीरियडिक टेबल, विज्ञान के आवर्त सारणी में एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हीलियम, हाइड्रोजन, होलमियम या मरकरी? दोस्तों एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हीलियम के लिए आपका होता है एच ई, और मरकरी के लिए आपका होता है एच जी। और एक आपके लिए होमवर्क है कि आप गोल्ड का बताएंगे, गोल्ड का क्या सिंबल होता है, सिल्वर का क्या सिंबल होता है, और आपका टंगस्टन जो कि बल्ब फिलामेंट में यूज होता है टंगस्टन, इसका क्या सिंबल होता है ये आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताएंगे। यहां पर टंगस्टन की स्पेलिंग आप सही कर लेना। और इसके बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में, हु वॉज द बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता था? अरुणा आसफ अली, कनक लता बरुआ, भिकाजी रुस्तम कामा या लक्ष्मी सहगल? तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है उसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली को ये झंडा फहराने के लिए मुंबई में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? राज्यवर्धन राठौर, पीटी उषा, खशाबा जाधव या अभिनव बिंद्रा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही ऑप्शन है खशाबा जाधव, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हम बढ़ेंगे, इन अ रेजिस्टर व्हाट हैपेंस टू द करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज डबल, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव होता है? द करंट गेट्स ट्रिपल यानी कि धारा तिगुनी हो जाती है, द करंट गेट्स हाफ धारा आधी हो जाती है, द करंट गेट्स डबल धारा दोगुनी हो जाती है या द करंट स्टॉप धारा रुक जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा करंट गेट्स हाफ धारा क्या हो जाती है आधी हो जाती है। अब 17 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे, द तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट 2011-12 वॉज बेस्ड ऑन, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 डैश पर आधारित थी, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो 18 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पॉवर्टी यानी कि गरीबी पर ये आधारित थी। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन द इंडिया गॉट एस्टेब्लिशन, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ? 1957, 1951, 1952 या 1953? तो 19 का हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1953।
अब ये है कि कब हुआ, लेकिन कौन सा हुआ, तो कौन सा हुआ ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पहला जो राज्य हुआ था वो कौन सा हुआ था, भाषा के आधार पर अलग होने वाला। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 43, आर्टिकल 39A। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 बात करता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का अध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, एरर है दोस्तों, टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आप कर लें प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सही ऑप्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है दोस्तों, नॉट पूछा है, यानी कि तीन है इसमें से एक नहीं है, सोन, काबुल, श्योक या गिलगिट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, सोन। बाकी जो है ये सारी की सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदी है किसकी, इंडस रिवर की। अब 23 में चलेंगे, हमीदा बानो, यहाँ बानो हो गया दोस्तों, इसको ओ कर लेंगे आप, हमीदा बानो मरियम मकानी वॉज द वाइफ ऑफ मुगल एम्परर, हमीदा बानो यानी कि मरियम मकानी मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। तो 23 का हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों हुमायूं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। 24, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन था, सलाबत जंग, शेखावत जंग, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या नासिर जंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर 3 हमारे, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है उन्होंने हैदराबाद का क्या किया था, बनाया था, वही संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 25, और जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए, विच प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद गौतम बुद्ध, निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर, ये कनेक्टेड है आपके गौतम बुद्ध से, पावापुरी कनेक्टेड नहीं है इसलिए हमारा यहाँ पे नहीं पूछा है, तो वही हमारा सही हो जाएगा पावापुरी। तो दोस्तों ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। अब आपके लिए जाने से पहले एक स्पेशल क्वेश्चन जो कि हमारा 006 यानी कि पार्ट नंबर 6 है, तो इसलिए 006, हु सेड वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या श्री नारायण गुरु। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी को देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाने के लिए आप हमारे इस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिखाई दे रहा है, और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे भी वहाँ पर भी आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा और डेली अपडेट भी मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और बीएड की तैयारी करना चाहते हैं डीयू बीएड की या किसी भी बीएड की बीएचयू या आईपी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।